आम आदमी से आप पूछे ना, आम लड़के लड़की से, मोदी के बारे में क्या ख्याल है, वो सल्यूट करते हैं ऐसे, पढ़े लिखे लोग. That you're lucky to have your Prime Minister as Narendra Modi, that he's thinking about you all over, जो कि हम पाकिस्तानी के बारे में हमारे वजीर आजम नहीं सोचते. और जब उसने आपकी बात नहीं मानी तो उसने फौरन क्या कह दिया कि जी ये बड़ी सीट पे छोटा आदमी बैठा हुआ है, ये बात है करने वाली. I was just going through the social media और मैंने कुछ लोगों को देखा, वो बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिसाल दे रहे थे कि तोशाखाना जितने भी गिफ्ट्स रिसीव होते हैं वो मैं तोशाखाना में जमा कराता हूँ, किसी को लेने नहीं देता, और उससे 100 करोड़ की चैरिटी जो है हमने की और बच्चों की तालीम पे लगाई है. तो देखो मोदी कर रहे हैं और इमरान खान नहीं कर. ग्लोबल लीडर के तौर पर लोग सर ले रहे, बड़ी रिस्पेक्ट उन्होंने पाई है. बड़ी सीट पे छोटा आदमी बैठा हुआ, ये बात है करने वाली. ये आदमी जो ना, ये इमरान खान, इनके मुंह में जो बात आती है बोल देते हैं. इंडियंस ने सबसे पहले देखने के बारी रिप्रेजेंटेशन क्या, कि अगला हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं. उनके लिए ट्रस्ट वर्ड बहुत मैटर करता है. जो उन पे ट्रस्ट करते हैं उनके साथ ठीक चलते हैं. देखिए उनके जो वो कहते हैं कि जो हमारे लव्स है ना, हम उसी पे हम मुनाफ़त नहीं कर सकते. हम लोगों में मुनाफ़त है, कहते नहीं कि पाकिस्तानी जो है वो पैसों के लिए बिक जाते हैं. तो ये हकीकत है, ये हकीकत है, 2-2 रुपए के लिए बिक जाते हैं. इमरान खान मेरे ख्याल से अब अपनी जो सियासत है ना, उसके वो जो इख्तिताम उसकी तरफ जा रहा है. इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की बकायदा तौर पे तैयारी की जा रही है. सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं, वो इंडियंस हैं, हम उनकी अच्छाई को बुराई नहीं कह सकते. दे आर वर्किंग हार्ड, अपनी एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छे हैं और दे आर वेरी प्रोफेशनल, क्योंकि वहाँ पे बाइंग पावर ज्यादा है. इमरान खान साहब, उन्होंने बड़ी क्लियर वार्निंग दे दी है, और बड़ा दुख होता है कि इख्तदार के लालच में पाकिस्तान के टूटने की बातें कर रहे हैं. इसलिए इंडिया जो है ना, मुझे लगता है अब चाइना को भी बीट. आम आदमी से आप पूछे ना, आम लड़के लड़की से, मोदी के बारे में क्या ख्याल है, वो सल्यूट करते हैं, पढ़े लिखे लोग, हालांकि वो तो इतने वो पढ़े लिखे भी नहीं है. हम कहते हैं ना, आजकल हम बात कर रहे हैं कि जी मुदाखलत है या साजिश है. साजिश वाजिश तो वो होती है जिसको प्रूव कर दिया जाए, मुदाखलत तो प्रूव्ड है ना. मुदाखलत उनकी भी प्रूव्ड है जो अमेरिकन ने की, और इस हद तक मुदाखलत करते रहते हैं लोग. और इमरान खान ने की, जब उन्होंने कहा ना कि मोदी मैं चाहता हूं कि जीत जाए, आपको पता उससे फर्क क्या पड़ा. इंडिया के 1 अरब 30 करोड़ लोग जो है, उन्होंने ये सोच के वोट दिया होगा कि ये साथ वाला क्या कह रहा है. बिल्कुल ठीक. अगर उन्होंने हक में दिया या अगेंस्ट दिया, लेकिन वो मुदाखलत हुई. आपने एक मुल्क के सियासत के अंदर मुदाखलत किया, बयान देके आप वजीर आजम है, आपको ऐसा गैर जिम्मेदार बयान देना नहीं चाहिए. और जब उसने आपकी बात नहीं मानी तो उन्होंने फौरन क्या कह दिया कि जी ये बड़ी सीट पर छोटा आदमी बैठा हुआ है, ये बात है करने वाली. ये आदमी जो ना, ये इमरान खान, इनके मुंह में जो बात आती है बोल देते हैं. मैंने आगे भी सुना है जो पाकिस्तान की मुकामी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके लिए जो वो बयान देते हैं, वो मुसलसल ये कहते आए हैं कि जनाब नून लीग और पीपी दोनों एक ऐसे घराने हैं जो पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर काबज हैं, जो चोर हैं, डाकू हैं, और खुद बाकायदा तौर पर मैनेज करके जो है वो नीचे तक चोरी करवाते हैं. आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं उनकी? देखिए देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर उनके ऊपर मुकदमा आता है, अदालतों से कन्विक्टेड होने वाले हैं. नवाज शरीफ साहब कायद हैं, उनके ऊपर मुकदमा, जरदारी साहब उनके ऊपर मुकदमा, उनकी बहन आसफा के ऊपर, मुराद अली शाह के ऊपर, कैबिनेट आधी से ज्यादा कैबिनेट के ऊपर है सर. तो उनकी इस बात में तो आप इत्तेफाक करते हैं उनसे कि नहीं? अच्छा, पहली बात यह है कि या इनको करप्ट नहीं समझते? नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं एक बात आपको बताऊं, मैं इसीलिए मैं पीडीआई को समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि उनको समझ आ जाए. पीडीआई के लोगों को नहीं आती उनको, तो मैं बात ये करना चाह रहा हूँ. देखिये, इस मुल्क के अंदर आप जब लोगों को अपने पीछे लगाते हैं ना,